दोस्तों नमस्कार मैं लोकेश कुमार शर्मा फ्रॉम भारद्वाज केमिस्ट्री क्लासेस आज हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक जनकरस गैस कैलोरीमीटर डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जनकरस गैस कैलोरीमीटर से गैसेस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज मिलते रहेंगे चलिए दोस्तों वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जंकर्स गैस कैलोरीमीटर का यूज गैसेस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है ये एक्सपेरिमेंट वाटर फ्लो के सिद्धांत पर आधारित होता है जिसमें नॉन वॉल्यूमेट्रिक गैस को कांस्टेंट नोन रेट के साथ अनक्लोज्ड कंबशन चेंबर में कुछ कंडीशंस के साथ बल्ट किया जाता है मींस जलाया जाता है जिन कंडीशंस में सबसे पहली बात है गैसेस फ्यूल के जलने से जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो वाटर में ट्रांसफर होना चाहिए मतलब सराउंडिंग्स वाटर में टोटल हीट जानी चाहिए नंबर दो की बात करें तो गैसेस फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होना चाहिए नंबर तीन की बात करें तो कहीं भी हीट का लॉस नहीं होना चाहिए मीन्स हीट की क्षति नहीं होनी चाहिए और ना ही हीट गेन होनी चाहिए इसके बाद गैस का कितना वॉल्यूम बर्न हुआ वाटर का वॉल्यूम और राइज इन टेम्परेचर मीन्स इनिशियल टेम्परेचर T1 वन एंड फाइनल टेम्परेचर T2 का डिफरेंस इसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट की देखिए जनकर्स गैस कैलोरीमीटर के मेन फोर पार्ट्स होते हैं जिनमें सबसे पहले आता है बुनसिन बर्नर नंबर टू पे आता है गैसोमीटर थर्ड वन इज प्रेशर गवर्नर एंड लास्ट वन इज गैस कैलोरीमीटर सबसे पहले बात करते हैं बुनसिन बर्नर के बारे में इस बर्नर का यूज गैसेस फ्यूल को बर्ंड करने के लिए किया जाता है इस बर्नर को एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में कंबस्टन चैम्बर में ऊपर या नीचे किया जा सकता है नंबर दो की बात करते हैं गैसोमीटर देखिए गैसोमीटर की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि पर यूनिट टाइम बर्ट हो रहा है उसको मेजर किया जाता है गैस के टेम्परेचर व प्रेशर को रीड करने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है और मैनोमीटर का यूज किया जाता है नंबर थर्ड की बात करते हैं प्रेशर गवर्नर प्रेशर गवर्नर गैसेस फ्यूल की सप्लाई के प्रेशर को रेगुलेट करता है अब हम बात करते हैं नंबर फोर्थ का मींस गैस कैलोरीमीटर। देखिए ये वर्टिकल सिलेंड्रिकल चैम्बर होता है जहां पर नॉन वॉल्यूम गैस को बर्न किया जाता है जो आउटसाइड से क्रोमियम मेटल से कोटेड होता है जो कि हीट के लॉस को रिड्यूस करता है मींस हीट के लॉस को रोकता है ये चैम्बर वाटर हीटिंग स्पेस से घिरा होता है और हीट इंटरचेंजर को इनसाइड और आउटसाइड फिट कर दिया जाता है इस पूरे सिस्टम को आउटर एयर जैकेट से किया जाता है, जिससे ये हीट इंसुलेटर की तरह काम करता है पानी को कांस्टेंट रेट से टॉप ऑफ द आउटर कोयल से एंटर करवाया जाता है जो कि चैम्बर के नीचे की ओर मूव करता है और इंटर कोयल के थ्रू एक्सिट एट द टॉप पर चला जाता है दो थर्मोमीटर्स इंसर्ट किए जाते हैं जो इनिशियल मीन्स टी वन और फाइनल मीन्स टी टू टेम्परेचर बताते हैं एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में जो स्टीम बनता है उसे बीकर में कलेक्ट कर लिया जाता है आप हम बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में देखिए कंबशन चैम्बर में नॉन वॉल्यूम गैस को बंट किया जाता है जो गैस कंबशन चैम्बर में सप्लाई किया जाता है उसका वॉल्यूम प्रेशर मैनोमीटर द्वारा रेगुलेट किया जाता है साथ में गैस का टेम्परेचर व प्रेशर भी नॉन होता है कम्बस्टन चैम्बर के आउटसाइड में वाटर जैकेट है जिसमें कोल्ड वाटर का कांस्टेंट सप्लाई होता है जिसका इनिशियल टेम्परेचर T1 थर्मोमीटर से नोट डाउन किया जाता है कम्बस्टन प्रोसेस के थ्रू जो हीट जनरेट होता है उसे वाटर द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर बाहर निकलता है जिसका टेम्परेचर टी टू नोट डाउन किया जाता है कंप्लीट कंबशन के लिए एयर का सप्लाई बर्नर के पास से ही दिया जाता है कंबशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में जैसे जैसे कम्बस्टेबल गैसेस वाटर के कॉन्टेक्ट में आती हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है वह ये स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम जब कोल्ड वाटर के कॉन्टेक्ट में आती है तो अपना हीट वाटर को दे देता है वह खुद कंडेंस होकर पानी में बदल जाती है जिसे कलेक्ट कर लिया जाता है इस ड्यूरेशन में जो भी फ्लू देखिए इस एक्सपेरिमेंट में हम ये मानकर चलते हैं कि कंबेशन के ड्यूरेशन में जो भी हीट लिब्रेट हुआ वो वाटर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में देखिए कैलोरीमीटर के ऑब्जर्वेशन में वॉल्यूम ऑफ गैस बल्ट एट एस टी पी अ टाइम इज इक्वल्स टू वी मीटर के वॉल्यूम ऑफ कूलिंग वाटर मीन्स कंबशन प्रोडक्ट को कूल करने के लिए लिया गया वाटर इन टाइम टी इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ स्टीम की बात करें स्टीम कंडेंस इन टाइम टी इक्वल्स टू स्मॉल एम प्रारंभिक मीन्स इनिशियल टेम्परेचर टीवन डिग्री सेल्सियस फाइनल चर मींस गैस के बर्ट होने के बाद का टेम्परेचर टी टू डिग्री सेल्सियस द हायर कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज इक्वल्स टू कैपिटल एल अब हम बात करते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट की देखिए कैलकुलेशन पार्ट में वाटर द्वारा एब्जॉर्ब किया गया हीट इज इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू टी टू माइनस टी वन कंबन द्वारा प्रोड्यूस हीट इज इक्वल्स टू वी इंटू एल वी मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस एल मीन हायर कैलोर वैल्यू ऑफ फ्यूल यहाँ मानकर चलते हैं कि निकालना है, निकालना है तो w, v, किलो मीटर मास वॉटर जो कंडेन्स हुआ है इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी के जी तो लेटेंट हीट इक्वल्स टू एम इंटू फाइव अपॉन वी किलो कैलोरी इसलिए एल इक्वल्स टू एस माइनस एम इंटू फाइव अपॉन वी देन एल इक्वल्स टू कैपिटल एल माइनस एम एम मीन्स मास ऑफ वाटर जो कंडेंस हुआ है इंटू फाइव अपॉन वी किलो कैलोरी मीटर क्यूब इस तरीके से हम जनकर्स गैस कैलोरी मीटर का एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म करते हैं दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग